हेलो डिफेंस लवर्स, आप सभी का स्वागत है डिफेंस गाइड डॉट कॉम पर। और आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक अ गुड स्टोरी फॉर TAT। देखिए TAT रहता क्या, साइकोलॉजी टेस्ट का फर्स्ट मोस्ट बेसिक पार्ट और सबसे ज़्यादा जिससे जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा आपको असेस करते हैं। विद इन 12 स्टोरीज बंदा आपको जज करेगा वट आर यू अप टू, कहाँ तक है आपका लेवल क्या। तो उन्हीं स्टोरी से क्यों ना हम उसको इम्प्रेस करें। यू मस्ट नीड टू बी ऑफ 3 क्वालिटीज लाइक अबव एवरेज, एवरेज एंड बिलो एवरेज, तीनों में से अपना एडिक्वेट इक्वली रखना है आपने। नेक्स्ट जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है टैट में, यानी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, टैट में जो पहले 1948 से SSB जो प्रोसीजर चलते आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये डे टू में होता है। किसमें होता है? डे टू में टैट, यानी साइकोलॉजी टेस्ट का फर्स्ट पार्ट। बट अगर डीनिवो, अगर आपके उसमें डीनिवो स्टार्ट हो जाता है तो ये डे वन के अंदर ही कंक्लूड कर देंगे इसको। और अभी तो इसमें 12 स्टोरीज हैं जिसमें 11 स्लाइड्स इमेजेस प्लस 1 ब्लैंक, क्या मिलती है आपको उसमें? एक ब्लैंक स्टोरी, यानी ब्लैंक स्लाइड आएगी। तो आपने उसमें करना क्या है, उस ब्लैंक स्लाइड में क्या काम होगा आपका, अपने आप को परसीव करो, वहाँ पे आपने अपनी स्टोरी लिखनी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि वो स्टोरी किस टाइप की होनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे मेरे एज ग्रुप का है, मे बी एक वो मेल है, आपने यहाँ पे कोई एक्शन जस्टिफाई नहीं करना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे किसी को डिस्कस करने की जरूरत नहीं, नैरेट नहीं करना। सबसे बढ़िया काम क्या है, इतना सा आपको कॉलम दिया होगा स्टोरी लिखने के लिए, उसमें लिखना स्टार्ट करो। कहाँ से नाम है उसका, कोई भी नाम ले गए चलो, उसका संजय हो गया नाम। और प्लीज़ ये राम, सीता, गीता इस टाइप के नाम यूज़ मत करना, क्योंकि हर कोई आजकल यही नाम यूज़ करता है। क्यों पता नहीं, समझ क्या ऑब्सेशन है, नाम इतने इतने अच्छे आ रहे हैं, रौनक वौनक संजय हो गया, इजी नाम आते हैं, और पता नहीं कौन से 1960 से चले आए नाम, राम सीता लक्ष्मण इस टाइप के नाम आते हैं। रवि है, रवि से क्या ऑब्सेशन, रवि रोहित ऐसे दोस्त हैं क्या तुम्हारे, उनके नाम यूज़ करते हो। नाम डालो संजय, समीर, पॉल, कुछ भी डालो। उसके बाद एक एज ग्रुप, उसका थोड़ा ब्रीफिंग दे दो, क्या है 24 इयर्स ओल्ड, क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, परसुइंग MBA फाइनल ईयर फ्रॉम SRK यूनिवर्सिटी, चलो यहां से कर रहा है, ठीक। ये इसका डिस्कशन एक ही लाइन में, इसकी ब्रीफिंग कर दी मैंने, यही ध्यान में रखना है। इस स्टोरी को लंबा मत खींचो, 4 ही मिनट है, कितना लिखोगे, बस ये इसकी एक लाइन के अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद क्या देखो कि उसके ज़िंदगी में प्रॉब्लम लानी तो ज़्यादा, प्रॉब्लम हर बार प्रॉब्लम लाने की ज़रूरत नहीं है यार। अगर प्रॉब्लम हर बार ला रहे तो क्या समझेगा भाई, ये तो प्रॉब्लम नहीं है फिर भी ला रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ प्रॉब्लम, टास्क और क्या, गोल फोकस। तो देखिए MBA फाइनल ईयर में लड़का है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मिलता है उसको, कोई टास्क नहीं मिलता है कि हाँ भाई ये रिपोर्ट लेके आओ ये रिपोर्ट। तो क्या होता है ड्यूरिंग फाइनल ईयर ऑफ इस ग्रेजुएशन, चलो इन ड्यूरिंग फाइनल ईयर ही वॉज गिवन अ टास्क, टास्क किस चीज़ के लिए मिला था, टू कंडक्ट अ सर्वे अबाउट मदर डेयरी प्रोडक्ट्स, कोई भी अपने डेली के लाइफ के मदर डेयरी है, अबाउट मदर डेयरी प्रोडक्ट्स। अब उसको रिपोर्ट देनी है, क्या करेगा वो, टू कंडक्ट अ सर्वे या फिर टू मेक एन रिपोर्ट, ये छोड़ो कंडक्ट अ सर्वे को छोड़ो क्योंकि हम इसको ले आएंगे, तो टू मेक अ रिपोर्ट, टू मेक अ रिपोर्ट। अब देखिए किसके बारे में रिपोर्ट बनानी है हमने, मदर डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या काम करेगा, ये तो उसको क्या कर दिया हम लोगों ने, एक टास्क दे दिया। अब एक्शंस, एक्शन क्या करेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे कंसल्ट करेगा, इंटरनेट में सर्च करेगा, हाँ भाई प्रोडक्ट्स कौन कौन से आते हैं, जब मुझे पता ही नहीं उसके बारे में क्या करूँगा मैं, सबसे पहले गूगल मारूंगा, आजकल हर कोई वही करता है, यूज़ करो ना यार जो प्रेजेंट टाइम में आपके पास क्या है फैसिलिटी, उनको यूज़ करो, गूगल करूँगा सर,
जो आपके सीनियर्स हैं उनको कंसल्ट करूंगा ताकि उनका असाइनमेंट देखूंगा, हाँ भाई उन्होंने कैसे बनाया, सर्वे रिपोर्ट उसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगा, अपने टीचर से सजेशन लूंगा और ऑन ग्राउंड जाके लोगों के रिव्यूज लूंगा। बाकी जो मदर डेयरी के डेली कस्टमर्स हैं उनसे पूछा जाएगा और जो डेली के कंज्यूमर्स उनको कॉल करके पूछ सकता हूँ, सर हाँ आपके प्रोडक्ट कैसे आ रहे हैं, इस टाइप के सर्वे रिपोर्ट बनेगी। ये आपके एक्शन हो सकता है 1, 2, 3, ऐसे तो मैंने वैसे 5-6 बता दी, ये यूज होना चाहिए। लास्ट में क्या करेगा, एंड ही कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट एंड गिव इट टू द सीनियर्स एंड ही वॉज अपलोडेड बाई हिज सीनियर्स, खुशी खुशी रहेगी। अब ये नहीं, कुछ चीज़ें जैसे हैं वो आप हमेशा नेगलेक्ट कीजिए, ऑलवेज और वेरी, यानी कभी भी अपने आंसर को जस्टिफाई मत कीजिएगा। यार जस्टिफाई कौन करता है, जो झूठा आदमी होता है बोलता है सर मैं डेली 5 बजे उठता हूँ, हाँ ठीक है मैं 5 बजे उठता हूँ, दोनों में वही है, आप जान मुझको उस पर प्रेशर डालना चाह रहे हो कि हाँ सर मैं उठता हूँ, और विद इन आयु आपको वो कन्फ्यूज करेंगे। साइकोलॉजिस्ट को पता है आपकी मेंटालिटी क्या है, एक बार में पहचान लेगा। ये था एक आपको नॉर्मल सा एग्जांपल, नीचे आपका एक हैप्पी एंडिंग कह सकते ना, हैप्पी एंडिंग टाइप हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए यहाँ पे, कुछ भी हो स्टोरी में कितना बड़ा धूम धड़ाका हो, देखा होगा ना साउथ की मूवीज या फिर नॉर्थ इंडियन मूवीज, सब में क्या हो धूम धड़ाका होने के बाद एक हैप्पी एंडिंग सी आती। तो ये कम्प्लीट एक सेशन था कि आप एक अच्छी स्टोरी टाइट में कैसे बना सकें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो, शेयर करो और हर उस बंदे तक पहुँचाओ जिसको इसकी ज़रूरत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।